हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस आंसर के साथ लेकर प्रस्तुत हूं। पहला क्वेश्चन है CSS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट्स। तो इसका आंसर होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होता है? ये स्टाइल शीट लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, जो कि यूज होता है प्रेजेंटेशन, किसी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन में काम आता है। तो इसका आंसर होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। MOOC स्टैंड्स फॉर मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और मायरिन ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि ये कोर्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। कोर्स ऑफ स्टडी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, इसलिए सबके लिए ओपन होता है। BMP, GIF, JPG, PNG आर यूज एज एक्सटेंशन फॉर फाइल्स विच स्टोर। हम हमेशा देखते हैं GIF में भी पिक्चर होता है, BMP में भी, JPG पिक्चर का ही होता है, इमेजेस से जुड़ा होता है, PNG भी। तो इसका आंसर होगा ऑडियो डेटा नहीं, इमेज डेटा, वीडियो डेटा, टेक्स्ट डेटा। तो आंसर होगा इमेज डेटा, क्योंकि ये फोटो से रिलेटेड होता है। जब भी आप फोटो खींचते हैं मोबाइल से तो JPG में आता है या PNG में आता है, तो उसका साइज होता है ये, और JPG इमेज को ही बताता है। अगला है सिंबल्स, AFR यूज्ड इन विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। सिंबल A2F, इसमें क्या है कि सारा मॉडर्न यूज, जितना ऑल मॉडर्न कंप्यूटर सारा यूज क्या करता है, डिजिट वैल्यू A2F, ये नंबर होता है 10 to 15। इसका आंसर इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है। तो बाइनरी में दो नंबर का होता है, दो नंबर सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि डिनोटिंग इंटीजर एंड नॉन इंटीजर नंबर, ये बताता है। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो एक न्यूमरल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, जो कि 16 सिंबल से बना होता है। तो A2F जो है वो हेक्सा डेसिमल में आता है, क्योंकि A से F तक आप जो नंबर्स आते हैं वो 10 टू 15 आता है, 16 सिंबल्स इसमें होते हैं। ऑक्टल में 8 सिंबल्स होते हैं, 8 नंबर का, इसलिए ऑक्टल नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। तो ये तीनों पे हम सर्च करते हैं, लेकिन क्रोम पे हम सर्च नहीं करते हैं। ये क्या है? क्रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए ये सर्च इंजन नहीं है। इसका आंसर होगा क्रोम। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज एज आइडेंटिफाइड बाई द UGC इन द ईयर 2014 वेयर इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ। सबसे ज़्यादा फेक इंस्टीट्यूशन कहाँ पाया गया था 2014 में? तो बिहार नहीं, ये उत्तर प्रदेश में पाया गया था। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे फेक यूनिवर्सिटीज पाए जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। तो NCERT क्या है? हम लोग जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, और NUEPA है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिशन।
तो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम NUEPA करता है, NAC तो एक्रेडिशन देता है, UGC तो सबको मैनेज करता है, NCERT तो कोर्स से रिलेटेड होता है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, किस मेथड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है? लेक्चर मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स तो सारे क्लास में होते हैं बट पैसिव होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेक्चर मेथड टीचर ओरिएंटेड होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में भी टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके कुछ पढ़ाते हैं तो टीचर का रोल ज़्यादा होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हर छात्र प्रोजेक्ट दिया जाता है या कुछ करने को दिया जाता है छात्रों को, जिसमें हर छात्र का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो एक एक चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर होता है। और ये टेक्स्ट बुक मेथड भी पैसिव होता है, एक तरफा होता है, या इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग इसमें होता है, इसलिए इसका आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। अगला है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन असर्टेंस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन स्टूडेंट को जब लर्निंग में प्रॉब्लम होती है तब किया जाता है, और उसका उसकी परेशानियों को जानने के लिए किया जाता है ताकि उसको सुधारा जाए। तो इसका आंसर यही होगा, कॉजेज एंड रेमेडीज परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम में जो भी कारण है और उनका क्या सुधार संभव है इसको जानने के लिए किया जाता है। अगला है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय द टीचर टू ग्लोरीफाई द क्लास, नहीं, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, नहीं, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट, एंश्योर डिसिप्लिन। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स, जो भी टीचिंग एड्स का ज़रूरत होता है या लोग यूज करते हैं टीचर, तो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है एटीट्यूड ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग, एटीट्यूड ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेंस टू। एटीट्यूड का मतलब होता है द वे ऑफ थिंकिंग। तो अब टीचर का कैसा एटीट्यूड है वो किस डोमेन को प्रभावित करेगा? कॉग्निटिव तो ज्ञान का है, कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन जो है वो हैंड और मोटर के कोऑर्डिनेशन का है। तो अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स इमोशंस ये सब से रिलेटेड है, तो टीचर का एटीट्यूड बच्चों के फीलिंग्स और इमोशंस को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय, किसके द्वारा कहा गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। हम लोग जानते हैं कि टीचिंग का तीन लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये डिफरेंशिएशन लेवल टीचिंग का नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजर्टेशन आर, तो उसमें क्या होता है हम उसको पहले जान लेते हैं, फिर उस जो जिस ऑप्शन में ये होगा उसको हम टिक करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथडोलॉजी, फिर रिजल्ट, उनका डिस्कशन, फिर कंक्लूजन। तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट इज़ ए रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ ग्राउंडेड इन द थ्योरी, या द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, या द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अ ग्राफ, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये डिज़ाइन में यही आता है कि डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर उसको कैसे एनालाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस, सैम्पलिंग केसेस में क्या होता है? केस सिलेक्शन ऑफ केसेस जो होता है सैम्पलिंग में, जो केस सेलेक्ट किए जाते हैं, साइज जो होता है सैम्पल का, जितने केस लिए जाते हैं उसका क्या मतलब हुआ कि किसका केस, सैम्पलिंग केसेस में केस किसका लेते हैं? पीपल का, न्यूज़पेपर, सैम्पलिंग यूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम,
दूसरा है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च. लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, नहीं, इसका अर्थ होगा कि सैम्पलिंग केस क्या क्या बन सकता है. पीपल बन सकता है न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम, ये सब जो जिन पर हम जिनको सैम्पलिंग केस बना सकते हैं. अगला है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पीक इज मच हाइयर. तो जो स्क्यूड होता है डेटा उसमें क्या होता है, लोग एक तरफ वो ज़्यादा फैला हुआ था, चाहे ये तो लेफ्ट साइड की ओर ज़्यादा स्क्यूड होता है या राइट साइड की ओर, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बेल शेप्ड का होता है, और स्क्यूड में क्या होता है कि बेल शेप ना होकर राइट साइड या लेफ्ट साइड में ज़्यादा फैला होता है. मेसोकर्टिक क्या होता है, ये बोल रहा है सबसे ज़्यादा सेंटर पीक ज़्यादा हाइयर होता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा कम होता है, थोड़ा फ्लैटर होता है. लेप्टोकर्टिक क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा ये होता है पीक्ड, सेंटर पीक मच हाइयर होता है लेप्टोकर्टिक में. ठीक है, इसका पीक ऐसे करके देखते हैं तो ये एकदम ज़्यादा ही पीक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और प्लैटिकर्टिक और फ्लैटर होता है, तो इसका आंसर होगा लेप्टोकर्टिक. व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू, जब सोशल रिसर्च करना है तो क्या बेहतर होगा, अप्रोच द टॉपिक विथ एन ओपन माइंड. डू ए प्लॉट स्टडी पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इन टू इट. पायलट स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी स्टडी छोटा लेवल पर थोड़ा कर लेना, तब फिर उसका बृहद अध्ययन करना. तो बोल रहा है पहले छोटा सा कुछ केस लेके कर लो, फिर उसको पूरे मतलब बृहद तौर पे करना. बी फेमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. नहीं, इस सोशल रिसर्च जब हम करने जाते हैं तो जो भी टॉपिक लेंगे तो अगर हम बायस्ड होंगे तो हम सोशल रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाएंगे. इसलिए सबसे पहले हमारा माइंड वहाँ ओपन होना चाहिए ताकि हम उसके दोनों आस्पेक्ट को देख सकें, प्लस आस्पेक्ट और माइनस आस्पेक्ट. सो इसका आंसर होगा ए. व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस ऑन ए सर्टेन टॉपिक और सेट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल नेचर इट इज़ कॉल्ड. व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस ऑन ए सर्टेन टॉपिक और ए सेट ऑफ टॉपिक्स ऑन ऑफ एजुकेशनल नेचर इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. नहीं, जब प्रेजेंटेशन देंगे या लेक्चर देंगे, पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो इट विल बी सेमिनार. वर्कशॉप में तो काम करते हैं, करना सिखाते हैं, करते हैं, और सिंपोजियम में लोग कम होते हैं और वहाँ डिस्कशन होता है. मीडिया इज़ नोन एज विच स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. तो ये तो हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब स्टेट में आते हैं. फोर्थ स्टेट में आता है मीडिया. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया. अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड. मतलब कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का मोड जो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स जब होते हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, ग्रुप में तो लिमिटेड लोग होते हैं, यह मास कम्युनिकेशन होगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं. तो बहुत लोगों को जब हम कोई संदेश देते हैं तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. अगला क्वेश्चन है स्मार्ट क्लासरूम इज़ ए टीचिंग स्पेस. स्मार्ट क्लासरूम जो होता है, स्मार्ट क्लासेस जो होता है, उसमें क्या होता है, स्मार्ट पोर्शन विथ ए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी, लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी, वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन. तो इसका आंसर है पीसी, लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी और ये प्लेयर होना चाहिए और प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन होना चाहिए, तब वो क्लास स्मार्ट क्लासरूम होता है. द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू,
येलो जर्नलिज्म क्या होता है? सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस? नहीं, सेंसेशनलिज्म एंड एग्जाजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, ये होता है येलो जर्नलिज्म, कि ऐसा न्यूज़ दो कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं आपके न्यूज़ के लिए। सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सेंसेशनल न्यूज़ प्रिंट्स इन येलो पेपर। तो इस सेंसेशनल एंड न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर देना ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अगला क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर, टीचर भेज रहा है तो एनकोडर हुआ, स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिकोडर। एजिटेटर कौन होता है? जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए ट्राई करता है लोगों को परसुएट करने के लिए। और प्रोपेगेटर्स क्या होता है? जो कि कोई आइडिया को प्रोपेगेट करता है। तो यहाँ पर एनकोडर और डिकोडर ही होगा मैसेज को कम्युनिकेशन में। तो टीचर एनकोडर हो गया और स्टूडेंट डिकोडर। थैंक यू।